नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज़। और इस एजुकेशनल न्यूज़ में हम बात करने वाले बिहार एसएससी के इंटर के लेवल पर जो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। दोस्तों, अगर करियर बर्बाद करने का अवार्ड दिया जाए तो वो जाएगा दोस्तों बिहार एसएससी को। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जिसका एडवर्टाइजमेंट हुआ 2014 में, उसका आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ, अभी तक उसके एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। 2018 लगभग ख़त्म होने वाला है और अभी तक उसका एग्ज़ाम का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला आपको परफेक्ट। लेकिन हम आपको जो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि सितंबर में इसके एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी थी और जैसे ही सितंबर आया, इस एग्ज़ाम के डेट को बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया। ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन एक तरह से ये दुखद भरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से दोस्तों आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करा के मैं इसे व्यूज़ पाना चाहता हूँ, मैं इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे वीडियो देख चुके हैं यूट्यूब पर, इतना वीडियो इसका पड़ा हुआ है। इसमें बोला गया है कि कभी बोल रहे हैं कोई सितंबर में होगा, कोई बोल रहा है जुलाई में होगा। वो लोग सिर्फ आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए और अपना व्यूज पाने के लिए वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं जो बना रहा हूँ वीडियो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ कि आपका एग्जाम्स का डेट दिसंबर में गया। बहुत ही कम यूट्यूब चैनल वाले आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। मैंने एक दो चैनल का वीडियो देखा है, स्पेशली वे लोग रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बाकी का सारा जो चैनल है वो रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। तो दोस्तों, मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ ये है कि सितंबर में एग्जाम की पॉसिबिलिटी जताई गई थी और दिसंबर में अब इसका हो चुका है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, इसका ऑफिशियली साइट जो सेकेंडरी साइट इसको बोल सकते हैं, वहां पे एग्जाम का पॉसिबिलिटी डेट बताया जाता है, कब ये फॉर्म आया था, किस क्या क्या इसका प्रोसेस सिलेक्शन का सब कुछ वहां पे रहता है अपडेट। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, इसको आप जाके डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। दोस्तों, इस लिंक को जब ओपन कीजिए जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन आएगा, आई एम नॉट ए रिबोट। दोस्तों, एक्चुअली ये मैं जो लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वो एक्चुअली एक मैंने कंसल्ट किया है, स्पॉन्सर लिया एक तरह से आप बोल सकते हैं उस कंपनी से। उसके बाद वो लिंक मैं आपको वहाँ पे दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आई एम नॉट ए रिबोट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो गेट लिंक आएगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, दो प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। लगभग 7 से 8 सेकेंड वहाँ पे जाएगा, उसके बाद से वो साइट खुल जाएगा, आपको वेट करना है। इसलिए मैंने आपको प्रोसेस स्टार्टिंग बता दिया। देखिए, वहाँ तक कैसे पहुँचना है उसका एक छोटा सा मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, मतलब उस लिंक को खोल के आपको कैसे पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइट में देख सकते हैं वो चल रहा है आपका वीडियो, थोड़ा सा उसको देख लीजिए क्लियरफुल्ली, उसके बाद वहाँ तक आप पहुँच पाइएगा, ठीक है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का एम हुआ कंप्लीट। इस वीडियो को जितना ज़्यादा उससे शेयर कीजिएगा और अपने माइंड में कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा आपका एग्जाम सितंबर में हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको बोले हैं सितंबर में एग्जाम होगा, लेकिन आज का ही ये अपडेट है। जैसे ही सितंबर आया, एग्जाम को भेज दिया गया दोस्तों दिसंबर में। और जैसे कि मैंने आपको बोला, करियर बर्बाद करने का अवार्ड जाएगा किसको, तो बिहार एसएससी को जाएगा। और बिहार एसएससी के किसी भी बातों पे हमें यकीन नहीं है, अभी ये भी कंफर्म हम नहीं कर सकते कि दिसंबर में एग्जाम होगा, क्योंकि ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये एग्जाम के डेट को इस कदर से खेल रही है जैसे फुटबॉल का प्लेयर खेलता है फुटबॉल से। दोस्तों, कभी फुटबॉल यहां जाता है, कभी वहां जाता है, इसी तरह से आपके साथ किया जा रहा है। कभी बोला जा रहा है कि जून में एग्जाम होगा, कभी बोला जा रहा है, इसी तरह से करते करते 4 साल बीत चुका है और आपका एग्जाम का कुछ पता नहीं है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पोस्ट के एग्जामिनेशन का डेट जो वो लेट हुआ है उसको लेकर के हमें कमेंट करके बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा चैनल नया है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का एजुकेशनल न्यूज़ पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।